कह रहे मेहुल, काय विचार कर तो? अपने बिजनेस के बारे में ही सोच रहा है ना? अरे बेटा धीरज रख, आज मंदा है कल ठीक हो जाएगा, हमेशा थोड़ी ना ऐसे रहेगा। पर बाबा नोटबंदी के बाद लॉटरी के बिजनेस का कोई फ्यूचर दिखे नहीं रहा है, और वैसे भी दुनिया को लालच के सपने बेचने से तो बेहतर है कि ऐसा कुछ किया जाए जिससे हमारे दिल में कोई शिकायत ना रहे। तू ये कहना चाहता है कि तेरे बाप दादा लॉटरी बेचकर कोई गलत धंधा कर रहे हैं? अरे बेटा तू भी अगर अपने बड़े भाई श्रेयस की तरह अगर अपना खानदानी धंधा नहीं संभालेगा तो और कौन संभालेगा? पर बाबा अब मैं सिर्फ अपने प्रॉपर्टी के बिजनेस पे ही फोकस करना चाहता हूँ। अरे वाह, मेरा बच्चा तैयार हो गया, आजा 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 स्कूल जाने के लिए आजा। चल तनु। नहीं, आज मैं बाबा के साथ जाऊंगी, वो मुझे कार से ड्रॉप कर देंगे। बेटा पापा को काम है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। नहीं, मैं पापा के साथ जाऊंगी, चलो ना पापा। तनु चलो चलो चलो। आज मेरी प्रोग्राम। बाय। कंपटीशन में डांसिंग करो या सिंगिंग, पापा बोलो ना। बेटा तुम्हें जिसमें भी कॉन्फिडेंस है तुम्हें उसमें परफॉर्म करना चाहिए। वैसे मैं तो दोनों में अच्छी, पर सिंगिंग कैसा रहेगा? पापा आप मेरा परफॉर्मेंस देखने आओगे ना? आऊंगा। पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। ये मेहुल, क्या बात है, आज बड़े भाई की याद कैसे आ गई? दादा आपसे मिलने का दिल कर रहा है, सालों हो गए ना सात बियर पिए हुए। अरे तो रोका किसने है? आ जाओ, जब भी मन करे आ जाओ। और एक बात बोलूं मेहुल, वजह जो भी हो मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। अरे श्रेयस, तू आज आई बाबा की याद कैसे आ गई? वो छोड़ी, अभी मेहुल कहाँ है? वो तो घर पे नहीं है। कहाँ गए? अरे वो तो अपने काम पे गया था। कहाँ गया? लेकिन हुआ क्या? तू इतना घबराया हुआ क्यों है? आई जब मैं अभी दुकान पे था तो मेहुल के मोबाइल से एक आदमी का फोन आया मुझे। एक मिनट। हाँ बोल मेहुल। क्या, कौन बोल रहा है? उसने अपने बारे में तो कुछ नहीं बताया, लेकिन इतना बोला कि वो 3:30 बजे फोन करेगा, तब तक 1 करोड़ रुपया तैयार रखने के लिए बोला है। 1 करोड़? अरे पर ऐसा कौन हो सकता है जो मेहुल को किडनैप करके मेहुल के ही मोबाइल से तुझे फोन करके फिरौती मांगेगा? किसी ने मजाक किया होगा। बाबा ऐसा मजाक कौन करेगा, क्यों? बाबा मेहुल को सच में किसी ने किडनैप किया है। क्या, मेहुल किडनैप? हाँ सुप्रिया, मुझे अभी वो किडनैपर का फोन आया था। काहे बोलते दादा, अभी 1 घंटे पहले ही मेरी मेहुल से फोन पे बात हुई थी। हाँ मेहुल, तुम लंच के लिए घर आ रहे हो तो तनु को स्कूल से पिक कर लोगे या मैं जाऊं? ठीक है, मैं ले आऊंगा। सुप्रिया, तनु अभी तक घर पर नहीं आई ना? नहीं बाबा। क्या हुआ बाबा?
किसको फोन कर रहे हो? मेहुल को, पर उसका फोन तो बंद आ रहा है। बाबा उसका फोन अगर किडनैपर के पास होगा तो बंद ही होगा ना। नहीं तनु, उसका स्कूल छूटे तो आधा घंटा हो चुका है। तो क्या इसका मतलब मेहुल के साथ तनु को भी? मैं स्कूल में जाकर देख के आती हूँ। दादा मैं भी आपके साथ चलती हूँ। चलो जल्दी चलो। हेलो कर्माका प्रॉपर्टीज। संदीप मेहुल कुठे आए? वो एक जमीन देखने गए थे। कौन सी जमीन? ये तो उन्होंने कुछ बताया नहीं, बोले एक नया सौदा आया हुआ है। कौन से एरिया में गया? उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। मैडम शायद उसके पापा लेके गए हैं। हेलो बलजीत, मेहुल कहाँ है? अंकल मैं खुद उसको फोन ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन तू उसको क्यों कॉल कर रहा है? एक लैंड डील की रजिस्ट्री करवानी थी उसको। क्या तनु भी मेहुल के साथ थी? आज तनु का कुछ पता नहीं चल रहा है। उसके स्कूल में भी जाके बात करी लेकिन वो वहां पर भी नहीं है। हाँ दादा तनु, 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 बेटा आप कहाँ चले गए थे? पापा कहाँ हैं? पापा तो मुझे नहीं लेना थे, पर एक अंकल थे। तनु यहाँ किसका वेट कर रहे हो? पापा का। अच्छा आपको घर जाना है? हाँ। कौन अंकल थे बेटा वो? वो आपको और पापा को जानते हैं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मेहुल को कोई क्यों किडनैप करेगा। पर अपना शियांस झूठ क्यों बोलेगा? देखो सीमा, मेहुल को किडनैप करने के बाद किडनैपर ने हमें कॉल क्यों नहीं किया? श्रेयस से क्यों फिरौती मांगी? अरे तनु। अच्छा जा, जा, जा। हेलो, 1 करोड़ का इंतजाम हुआ कि नहीं? कौन बोल रहा है पहले ये बताओ। पहले तू बता कि तू कौन बोल रहा है। पहले तो किसी और ने फोन उठाया था। वो मेहुल का बड़ा भाई था। मैं मेहुल का बाबा बोल रहा हूँ। मेहुल कहाँ है? मेरी जेब में। बेटा जिंदा नहीं चाहिए क्या तुझे? देखो इतने पैसे नहीं दे सकते हम, ज्यादा से ज्यादा 50 लाख रुपए दे सकते। तो ठीक है, तेरा बेटा भी तुझे 50% ही मिलेगा। बिना हाथ पैर का बेटा चाहिए तुझे? अरे आप लोग समझते क्यों नहीं, इतने ज्यादा पैसे नहीं है हमारे पास। अरे इतने कम समय में हम 1 करोड़ रुपए का इंतजाम कहां से करेंगे? आप समझते क्यों नहीं बात को? तो ठीक है, मैं कल सुबह तक का तुझे वक्त देता हूँ। लेकिन याद रख, अगर 1 करोड़ में से 1 रुपया भी कम हुआ तो तेरे बेटे का 1 बॉडी पार्ट कम होगा। और अगर गलती से तूने पुलिस में इन्फॉर्म करने की कोशिश की तो तेरा बेटा तुझे जिंदा भी नहीं मिलेगा। हेलो हेलो, देखो मुझे लगता है कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। बाबा अगर हम पुलिस में गए और उन्होंने मेहुल को कुछ कर दिया तो? आप पैसों का इंतजाम कर दो ना। अरे सीमा पैसों की बात नहीं है, बात यह है कि इस बात की क्या गारंटी है कि पैसे लेने के बाद वो लोग मेहुल को सही सलामत छोड़ देंगे। कमिश्नर मेरा दोस्त है, मैं उससे बात करता हूँ, वो जरूर कुछ ना कुछ हमारी मदद करेगा। लगाओ। जैन सर, मेहुल करमरकर। ओके सर। साहेब, साहेब हमारा इंस्पेक्टर रंजीत गायकवाड़ ने भेटा है साहेब। सर दिनेश करमरकर। हो साहेब, मैं इंस्पेक्टर रंजीत गायकवाड़। हाँ कमिश्नर साहब ने आपके बेटे की किडनैपिंग के बारे में मुझे बताया, आप आइए मेरे साथ। सर फिरौती की पहली कॉल 2 बजे आई थी और दूसरी 3:30 बजे, दोनों कॉल मेहुल के मोबाइल से ही आई थी। मैं उनसे कॉल रिकॉर्ड्स मांगवा और पता करो कि वो दोनों कॉल्स किस लोकेशन से आए थे। जी सर,
मेहुल का नंबर बताइए। जी सर 9594। सर लेकिन वो किडनैपर ने बोला है कि अगर हम पुलिस के पास गए तो वो मेहुल को। तुम्हें काळजी करू नका, ये इन्वेस्टिगेशन हम डिस्क्रीट रखेंगे। उनको पता नहीं चलेगा कि इस केस में पुलिस भी इन्वॉल्व है। ये किडनैपर अगला कॉल कल सुबह करने वाला है ना? हाँ सर। हम मेहुल का फोन सर्वेलेंस पे रखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि मेहुल को कहाँ से किडनैप किया गया था। सर मेहुल के असिस्टेंट ने बताया कि मेहुल दोपहर को 1 बजे अपने ऑफिस से किसी जमीन को देखने के लिए निकला था। ये मेहुल के असिस्टेंट का नाम क्या? संदीप वाघमारे। हाँ शुक्रिया बोल। बाबा संदीप वाघमारे का कॉल आया था, किडनैपर्स ने इस बार मेहुल के ऑफिस में कॉल किया है। क्या? मेहुल का फोटो, उसकी गाड़ी का नंबर, हर बीट चौकी पेट्रोलिंग टीम को भेजो, नाकाबंदी अलर्ट कर दो। सर शिरके मेहुल के ऑफिस चलते हैं। सर मुझे तो पता ही नहीं था कि मेहुल सर किडनैप हुए थे, वो तो मुझे लैंडलाइन पे एक फोन आया तब मुझे पता चला। हेलो कर्माका प्रॉपर्टीज, सर उन्होंने मुझे बोला था कि मैं मेहुल सर के घर वालों को जाके बता दूं कि पुलिस के पास जाके उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, वो मेहुल सर को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। सर मेहुल की गाड़ी तो ऑफिस के बाहर खड़ी है। मेहुल के फादर को तुमने बोला था कि मेहुल कोई जमीन देखने गया था, लेकिन उसकी गाड़ी तो यहाँ है। सर वो अपनी गाड़ी में नहीं गए थे। क्यों? सर वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कोई तो उनको पिक करने वाला था, शायद वो सामने वाली पार्टी की गाड़ी से ही गए थे। कौन सी पार्टी? वो बोल रहे थे कि कोई नई पार्टी है। सर इस मेहुल का यहाँ ऑफिस में अपनी गाड़ी छोड़ के जाना कुछ तो सस्पिशियस लगा, पर यहाँ ऑफिस के बाहर कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं। मुझे तो ये संदीप ही सस्पिशियस लग रहा है। एक तो इसे पता नहीं था कि मेहुल गया कहाँ था, और जैसे ही मेहुल के घर वालों ने हमसे कॉन्टैक्ट किया, किडनैपर्स को पता चल गया कि उन्होंने हमसे कॉन्टैक्ट किया, ये संदीप हमसे जरूर कुछ छुपा रहा है। एक काम करो शिरके, इसकी एक्टिविटीज पे नजर रखो, उसके कॉल रिकॉर्ड चेक करो। संदीप मेहुल के घर ऑफिस सबके फोन सर्वेलेंस पे रखो, और ऑफिस के बाकी वर्कर्स और आसपास पूछताछ करो, शायद हमें कोई विटनेस मिल जाए। आजी पापा को फोन करो ना, पापा ने मुझे बोला था कि मॉल लेके जाएंगे, प्लीज फोन करो ना। तनु बेटा पापा बिजी हैं, अभी नहीं आ सकते वो। सुप्रिया इसे अंदर ले जाओ। जी तनु आ जाओ, पापा भी आ जाएंगे, ठीक है आ जाओ। हेलो। मेहुल के फोन से फिरौती का पहला कॉल ये शांति नगर से और दूसरा वैशाली जंक्शन से किया गया था। कहीं दोनों एरियाज में ऐसा कोई है जिसका मेहुल से कोई कनेक्शन? सर शांति नगर में तो मेहुल के लीगल एडवाइजर बलजीत का ऑफिस है, लेकिन सर मैंने उससे भी बात की थी, उसका कहना है कि मेहुल के बारे में वो कुछ नहीं जानता। आप बलजीत का फोन नंबर मुझे मैसेज कीजिए। ठीक है सर। सर मुझे मेहुल के फादर ने बताया नहीं कि मेहुल का किडनैप हो गया। पर किडनैपर्स का पहला फोन उसी एरिया से आया था जहां आपका ऑफिस है। हाँ सर, पर आप कहना क्या चाहते हैं? आप मेहुल के लीगल एडवाइजर हैं, उसका किसी डील को लेके किसी के साथ कोई इशू तो नहीं था? नहीं सर ऐसा तो कुछ भी नहीं था। कहीं आपके साथ तो कोई इशू नहीं था? सर ये कैसी बातें कर रहे हैं सर? सर मैं मेहुल का सिर्फ लीगल एडवाइजर ही नहीं बल्कि उसका अच्छा दोस्त भी हूँ। आप उसके अच्छे दोस्त हैं तो उसके दुश्मनों के बारे में भी तो खबर रखते होंगे। सर कोई आइडिया नहीं लग पा रहा है, पर मेहुल काफी दिनों से परेशान रहने लगा था। सर ये लो मेहुल। क्या बात है मेहुल, आजकल बहुत चुपचाप रहने लगे। जाने दे यार, मेरी अपनी लड़ाई है, खुद ही लड़नी पड़ेगी। लड़ाई? कैसी लड़ाई? सर मेहुल ने खुल के कभी कुछ बताया नहीं, पर इश्यू काम का नहीं, शायद पर्सनल होगा। पर्सनल इश्यू? वो क्या? सर दरअसल मेहुल अपने प्रॉपर्टी के बिजनेस के साथ साथ अपने फादर का लॉटरी का बिजनेस भी संभाल रहा था, जो कि लॉस में चल रहा था, लेकिन उसके फादर वो बिजनेस बंद नहीं करना चाहते थे, और वो लॉस उसे अपने प्रॉपर्टी के बिजनेस से रिकवर करना पड़ रहा था। मम्मा, पापा कब आएंगे? पापा ने मुझे बोला था कि स्कूल कॉम्पिटिशन में सॉन्ग गाना है, और मुझे पापा के साथ सॉन्ग की प्रैक्टिस भी करनी। बोलो ना मम्मा, पापा कब आएंगे? आएंगे,
पापा जरूर आएंगे तनु। पर कब मम्मा? तो शांति नगर और वैशाली जंक्शन की पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, दोनों जगह पे छानबीन जा रही है। मुझे लगता है ये अगला कॉल अलग लोकेशन से आएगा। लेकिन सर, संदीप वाघमारे ने बोला था कि किडनैपर्स ने धमकी दी थी कि मेहुल की फैमिली ने हमारे पास आके गलती की। मुझे नहीं लगता फिर से कॉल करेंगे। नहीं, हो सकता है वो मेहुल की फैमिली से कई और तरीके से कॉन्टेक्ट करें। लेकिन सवाल ये है कि मेहुल के किडनैपर्स को ये कैसे पता चला कि मेहुल की फैमिली ने हमसे कॉन्टेक्ट किया है? या तो संदीप वाघमारे हमसे कुछ छुपा रहा है। या तो मेहुल की फैमिली से जुड़ा कोई ऐसा है जो मेहुल की फैमिली की एक्टिविटीज पे नजर रखे हुए। एक काम करो, चेक करो मेहुल के ऑफिस के साथ साथ उसके घर में काम करने वाले लोगों को इन्वेस्टिगेट करो। सर, मेहुल के अगवा होने का तार मेहुल के काम से जुड़ा था या उसके परिवार से, इसको भांप पाना फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा था। और अगली सुबह मेहुल की फिरौती का एक कॉल आया। सर, अभी अभी मेहुल का फोन ऑन हुआ है। चलो। बाबा, मेहुल, मेहुल स्पीकर पे डाल। हेलो, क्यों बे बुड्ढे? अपने बेटे को जिंदा नहीं देखना चाहता है जो पुलिस को कांटेक्ट किया? अबे साफ सुन गया क्या बुड्ढे? देखिए, हम मानते हैं हमने गलती की, लेकिन हमारे पास 1 करोड़ रुपए नहीं था। समझने की कोशिश करिए। और उसमें गलती आपकी भी है। हम आपको 50 लाख रुपए देने के लिए तैयार थे, आपने नहीं लिया। नहीं तो हम पुलिस के पास नहीं जाते थे। लेकिन अब तो पुलिस के पास चले गए तुम लोग। देखिए, हम पैसा देने के लिए अभी भी तैयार है और पुलिस भी इंटरफेयर नहीं करेगी। अबे लेकिन अब तो पुलिस हमारी बातें सुन रही है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एड़ा मत समझ, बस पैसे तैयार रख। कब, कैसे और कहाँ पहुँचाने हैं तुझे पता चल जाएगा। लेकिन इस बार पुलिस इन्वॉल्व हुई तो बहुत पछताओगे तुम लोग। देखिए आप में हेलो, सर इस बार कॉल सिद्धार्थ विहार से किया गया था, वहाँ की पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। सिद्धार्थ विहार के आसपास सारी नाकाबंदी टाइट करो, वो जरूर किसी गाड़ी में होंगे। ओके सर। हाँ स्वाति बोल। पैसे तो वहाँ ले गए, पर बदले में कुछ मिलेगा भी या फ्री में ही सेवा दे रहे हैं? देखो स्वाति, अपनी बकवास बंद करो, समझी तुम? और अब फोन मत करना। क्यों? उनके लिए मुझे भी छोड़ने का मन बना लिया है क्या? पर याद रखना, मैं भी जोंक हूँ, ऐसे ही छोड़ने वाली नहीं किसी को। हेलो सर, सर जिस सिद्धार्थ विहार इलाके से किडनैपर्स ने मेहुल के नंबर से फोन किया था, अभी अभी उसी एरिया में एक लाश मिली। तो लाश के गले में एक चेन मिली है जिसमें M अल्फाबेट का लॉकेट है। तुम लोगों ने क्या देखा? सर सुबह हम यहाँ से आ रहे थे, यहाँ पर सर आग लगी हुई थी और सर 2 लोग खड़े हुए थे, जैसे ही उन लोगों ने हमें देखा सर भाग गए। अरे अरे रुको, तुमने दोनों को गाड़ी से जाते हुए देखा, गाड़ी का नंबर नोट किया? सर गाड़ी का नंबर नहीं देख पाया, लेकिन सर गाड़ी सिल्वर कलर की थी। सर मेहुल की वाइफ से बात हुई,
उसने कहा कि मेहुल भी एम अल्फाबेट का लॉकेट पहनता है। पाटिल, यस सर, बॉडी ला शवागृहात पाठवा और मेहुल की फैमिली को शिनाख्त के लिए बुला। ओके सर। शिरके, संदीप बोल रहा था कल मेहुल अपने किसी पार्टी के साथ उनकी गाड़ी में जाने वाला था, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिल्वर गाड़ी उसी पार्टी की हो? सर पॉसिबल तो है, लेकिन मेहुल को किसी ने भी गाड़ी में बैठते हुए नहीं देखा है और ना ही हमें मेहुल के ऑफिस के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा मिला है। पर मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेहुल के किडनैपर्स को किसने इन्फॉर्म किया होगा कि मेहुल की फैमिली ने हमारे साथ कॉन्टैक्ट किया था। सर मेहुल के घर में जितने भी लोग काम करते हैं, हमने सबसे पूछताछ की, उसका जो लीगल एडवाइजर है बलजीत, उसे भी हमने इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन किसी के खिलाफ कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। मेहुल के कॉल रिकॉर्ड्स अच्छे से स्टडी करो और यहाँ आने वाले सारे रास्तों के सीसीटीवी फुटेज चेक करो, हो सकता है किसी फुटेज में वो सिल्वर गाड़ी कैप्चर हुई हो। सर मैंने आसपास पूरा एरिया सर्च किया, यहाँ एक खाली खंडर, तालाब और जंगल है, लेकिन कहीं भी कुछ भी एविडेंस नहीं मिला। सर माना कि उसके गले में मेहुल का लॉकेट मिला, पर वो मेहुल नहीं है। इसकी हाइट कम लगी मुझे, जबकि हमारे मेहुल की हाइट तो ज्यादा है। सर शिरके, मेहुल का दोस्त बलजीत बोल रहा था कि पिछले कुछ दिनों मेहुल परेशान था क्योंकि उसके फादर का लॉटरी का बिजनेस घाटे में जा रहा था और उस घाटे की रिकवरी मेहुल को अपने प्रॉपर्टी बिजनेस से करनी पड़ रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये किडनैपिंग की प्लानिंग मेहुल की हो, अपने फादर से पैसे निकलवाने की कोई चाल हो? सर अगर ऐसा हो तो भी किडनैपर्स को तो पैसा दिया ही नहीं गया है। लेकिन किडनैपर्स अच्छे से जानते थे कि उनके कॉल्स हमारी निगरानी में थे और वो उस फैमिली से किसी और जरिए से कांटेक्ट करने वाले थे। ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली ने पैसे दे दिए हो? सर मुझे नहीं लगता है पॉसिबल, क्योंकि पूरी फैमिली पे हमारी नजर, और अगर सर ये पूरी प्लानिंग मेहुल की हो भी तो भी प्लान फेल होने के चक्कर में वो ये क्यों प्रूव करना चाहेगा कि उसका मर्डर हो गया? लेकिन शिरके हमें ये भी समझना होगा कि अगर वो बॉडी मेहुल की नहीं है तो फिर किसकी है और फैमिली उसे क्लेम करने के लिए सामने क्यों नहीं आ रही? शिरके एक काम करा, ये बॉडी का डीएनए मेहुल के फादर से मैच करवाओ और मेहुल की फैमिली के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से पता करो। मेरी सास, मेरी ताकत, मेरा अभिमान है पापा, सारे रिश्ते उनके दम से, सारे नाते उनसे हैं, सारे घर की शान है पापा, मेरे दिल की धड़कन है पापा। मम्मा, मम्मा, पापा कहाँ है? मैंने फंक्शन के लिए पोयम भी रेडी कर ली, बताओ ना पापा कहाँ है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही मम्मी? मम्मा बोलो ना पापा कब आएंगे, मम्मा कुछ तो बोलो। तनु के पिता मेहुल का अगवा होना, फिरौती का कॉल आना और एक अधजली लाश का मिलना, एक के बाद एक ये केस कई नाटकीय मोड़ ले रहा था और इसका सबसे चौंकाने वाला पहलू ये था कि मेहुल के परिवार ने उस अधजली लाश को मेहुल नहीं माना था। पुलिस इस केस में कई एंगल देख रही थी, लेकिन पुलिस की किस थ्योरी को मोटिव, फैक्ट्स और एविडेंसेस का आधार मिलने वाला था, इसको लेकर पुलिस फिलहाल दोहराहे पे नजर आ रही थी और मेहुल की कामकाजी और पारिवारिक जिंदगी का हर बारीक से बारीक पहलू समझा जा रहा था। सर मेहुल के फादर के लॉटरी का बिजनेस काफी घाटे में था, लेकिन एक टाइम था जब मेहुल ने इस बिजनेस से काफी पैसे कमाए, करोड़ों की प्रॉपर्टी आएंगी। लेकिन सिर्फ मेहुल नहीं, उसका बड़ा भाई श्रेयस भी इस बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं था। इनफैक्ट 5 साल पहले श्रेयस अपनी बीवी को लेकर फैमिली से अलग हो गया और अलग होने के बाद श्रेयस का अपनी फैमिली के साथ लेना देना बिल्कुल ना के बराबर था। मतलब श्रेयस फैमिली के साथ रहता नहीं था, फिर भी हर बार किडनैपर्स ने उसी को कॉल किया? जी सर, लेकिन एक बात, किडनैपिंग की एक रात पहले श्रेयस और मेहुल के बीच फोन पे बात हुई और रात को दोनों मिले भी थे। मेहुल के कॉल रिकॉर्ड में कुछ सस्पिशियस मिला? नहीं सर, लेकिन किडनैपर्स के कॉल से पहले मेहुल को आखिरी कॉल उसकी बीवी सुप्रिया ने किया और ऐसे किसी भी पार्टी के बारे में पता नहीं चला जिसके बारे में संदीप वाघमारे ने बताया। संदीप वाघमारे का भी बैकग्राउंड चेक किया
तो पता चला कि वो पहले मेहुल के फादर के लॉटरी के बिजनेस को संभालता था, लेकिन जब मेहुल ने अपनी प्रॉपर्टी का बिजनेस शुरू किया तो संदीप को अपने साथ ले लिया। ये संदीप मेहुल के फादर का वफादार है या मेहुल का? सर, मेहुल और उसके फादर के बीच डिफरेंसेस तो थे, लेकिन मेहुल के फादर या वाघमारे के एक्टिविटीज में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। इस वाघमारे को मत छोड़ना। मेहुल के कॉल रिकॉर्ड में जितने भी नंबर हैं, उन सबको इन्वेस्टिगेट करो। मेहुल के दोस्त हो, रिश्तेदार हो, अजनबी हो, किसी को मत छोड़ना। और इस रेस को थाने बुलाओ। सर, मेहुल के कॉल रिकॉर्ड्स में मौजूद दर्जनों लोगों से बात करके पुलिस लगातार इस केस को सही दिशा देने की कोशिश कर रही थी और हर पूछताछ मेहुल की मनस्थिति के नए बयान सामने ला रही थी। सर, हमारा लॉटरी का बिजनेस पुश्तैनी है और इसीलिए बाबा बिजनेस को लेकर बहुत पॉजिटिव भी है। और सच कहूं तो हम दोनों भाइयों को इस बिजनेस में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। मैंने तो मेरा अलग काम पहले ही शुरू कर दिया था। लेकिन पता चला है कि तुम अपने बाबा से या अपनी बीबी के कहने पे अलग हुए थे और अलग होने के बाद उनके ज्यादा कांटेक्ट में भी नहीं थे। लेकिन तुम्हारी बीवी आए दिन तुम्हारा हिस्सा मांगने के लिए तुम्हारे पेरेंट्स के यहाँ चली जाती थी। हाँ सर, मतलब सच कहूँ तो हमारे अलग होने की एक वजह मेरी बीवी भी थी। सबको यही लगता है कि मैंने ही अपनी बीवी को हिस्सा मांगने की शायद दी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था सर। उनकी गलतफहमी थी। लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि मेहुल की किडनैपिंग के एक रात पहले तुम और मेहुल मिले थे? सर, मेहुल भाई था मेरा और सच कहूं तो अलग होने का सबसे ज्यादा दुख हम दोनों भाइयों को हुआ था। अचानक उसने फोन किया, उसने कहा मिलना है, इसलिए मिले थे। Cheers. लेकिन एक बात, मैंने सोचा था तुमसे मिलकर कहीं बाहर में बैठेंगे, ये आज अचानक गाड़ी में। दादा, आपको याद है जब हमारे पास पहले ज्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे तो बाबा की गाड़ी निकाल के ऐसा रास्ते में ही पिया करते थे। क्या दिन थे यार, ना काम की टेंशन, ना वाइफ की झिकझिक। मैं ना कई बार सोचता हूँ कि इंसान को ना शादी करनी नहीं चाहिए। टेंशन फ्री लाइफ। सही बोला दादा। खैर छोड़, मुझे बता क्यों बुलाया मुझे ने? क्या हुआ दादा? ये बात किसी को बताओगे तुम? लेकिन ऐसा है क्या? लेकिन बात करना उससे, क्या प्रॉब्लम है? बात कर, बाद में हम बोलते हैं। जाने दो दादा। फिर उसको एक मैसेज आया, उसने कहा कि कोई जरूरी काम है, उसे जाना पड़ेगा, दोबारा कभी मिलकर बात कर लेंगे। लेकिन ऐसा क्या था जो वो तुम्हें बताना चाहता था? वो सर मुझे पता नहीं सर, वो एक्चुअली वो बता नहीं पाया। मुझे लगा शायद वो अपनी बीवी से झगड़ा करके आया था। कैसा झगड़ा? वो तो मैं कैसे बता सकता हूँ सर, लेकिन मैंने देखा था कि उसकी बीवी उसे कॉल कर रही थी। इस मेहुल की किडनैपिंग का उसके वाइफ के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है? मेहुल की किडनैपिंग का उसके वाइफ के साथ कनेक्शन? सर, मैंने ऐसा कब बोला? तुम बताना क्या चाहते हो? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेहुल जब मुझसे मिला तो वो मुझे कुछ कहना चाहता था। इशू उससे काम से ही जुड़ा होगा। और सर, ये संदीप वाघमारे जो है वो जरूर कुछ जानता है, वो छुपा रहा है। हो सकता है श्रेयस हमसे कुछ छुपा रहा हो। श्रेयस की बीवी को ही नहीं, लेकिन उसे भी अपने बाप की जायदाद में लालच हो। सर, पॉसिबल तो है, क्योंकि श्रेयस की लव मैरिज हुई थी और उसके बाद उसे अपने बाप का घर छोड़ना पड़ा। इस सुप्रिया और मेहुल की लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? सर, सुप्रिया और मेहुल की अरेंज मैरिज हुई थी और ये मेहुल सुप्रिया से उम्र में काफी बड़ा है। सुप्रिया एक मामूली घर की लड़की है, जबकि श्रेयस की बीवी अमीर घर से। और सुनने में आया है कि मेहुल के घर वालों ने एक मामूली घर की लड़की इसलिए चुनी ताकि वो श्रेयस की बीवी की तरह उन पे हावी ना हो। पर सुप्रिया ने मेहुल के किडनैपिंग होने के एक घंटे पहले उससे फोन किया था, पता चला क्यों? सर, मेरी सुप्रिया से बात हुई। सर, मेहुल अक्सर लंच के लिए घर आते थे। मैंने उनसे बोला था कि वो घर आते वक्त तनु को स्कूल से ले आए। लेकिन वाघमारे बोल रहा था कि मेहुल अपनी गाड़ी ऑफिस पे छोड़ के अपनी किसी पार्टी की गाड़ी से जाने वाला था और सुप्रिया बोल रही है वो तनु को पिक करने के लिए स्कूल जाने वाला था। सर, मेरी सुप्रिया की बेटी तनु से बात हुई और मैंने सुप्रिया के बयान को क्रॉस वेरीफाई किया। अंकल, मैंने पापा का स्कूल में बहुत देर तक इंतजार किया पर वो आए ही नहीं।
बेटा तनु, जब तुम्हारे पापा स्कूल लेने नहीं आए तो तुम घर कैसे आए? मैं घर अकेले ही आ गई। अगर मेहुल वाकई तनु को पिक करने के लिए स्कूल जाने वाला था तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी किडनैपिंग स्कूल के पास ही हुई? सर, एक टीम स्कूल के पास ऑलरेडी पूछताछ कर रही। सर जिस एरिया में डेड बॉडी मिली थी उस एरिया के एक सीसीटीवी फुटेज में वारदात वाली सुबह एक सिल्वर कलर की गाड़ी कैप्चर हुई थी। सर ये देखिए। हाँ सर, ये वही गाड़ी है। लाश जलाने वाले दोनों आदमी इसी गाड़ी से भागे थे। सर, इस सिल्वर कार पर जो है नंबर प्लेट MHXX9826, ये फेक। आरटीओ से पता चला कि ये नंबर एक बाइक का है। इसका मतलब इसी गाड़ी से किडनैपिंग हुई है। ये गाड़ी के पीछे स्टिकर देख रहे हो? जिन जिन एरिया से किडनैपिंग का कॉल आया वहां ये गाड़ी गई होगी। उन एरियाज के सीसीटीवी खंगाल। हो सकता है इस गाड़ी के साथ साथ किडनैपर्स भी कैप्चर हुए। सर, किडनैपिंग में इस्तेमाल की गई उस एसयूवी के क्लू से अब अपराधियों तक पहुंचने के सिरे ढूंढे जा रहे थे। लेकिन ये सब क्यों और किस मकसद से किया गया था, ये सवाल अब भी सही जवाब की तलाश में था। सर, गाड़ी उन सभी एरिया के सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हुई थी जहां से किडनैपिंग के कॉल किए गए थे। सर, गाड़ी की नंबर प्लेट हर जगह फेक थी और किडनैपर्स किसी भी सीसीटीवी में कैप्चर नहीं हुए थे। हो सकता है इस गाड़ी का ओरिजिनल आरसी नंबर के आसपास के इलाके का हो। आरटीओ से पता कर, इस मॉडल की गाड़ियां जितनी भी इस एरिया में हैं, किस किस के नाम रजिस्टर हैं, उसके सारे डिटेल्स निकाल। हो सकता है कि किडनैपर्स ने नंबर प्लेट चेंज तो कर दी हो लेकिन ये स्टिकर अभी भी उस गाड़ी पे हो। ओके सर। सर, सिद्धार्थ विहार में जो जली हुई बॉडी मिली थी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से हुई और सर पे किसी भारी चीज से वार किया गया। लेकिन सर, हैरानी की बात यह है कि जब पहला फिरौती का कॉल किया गया तभी मर्डर किया जा चुका था। अगर मर्डर फिरौती मांगने से पहले कर दिया गया था तो क्या वो बॉडी मेहुल की? सर, डीएनए रिपोर्ट तो अजून आलेला नहीं, लेकिन उस बॉडी का ब्लड ग्रुप मेहुल के ब्लड ग्रुप से मैच करता है। मान लो कि वो बॉडी मेहुल की थी, फिर मर्डर करके फिरौती क्यों मांगी गई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मकसद सिर्फ मेहुल के मर्डर का था और मेहुल के फोन से किडनैपिंग के कॉल सिर्फ टाइम बाय करने के लिए किए गए थे ताकि उसके मर्डर का राज ज्यादा से ज्यादा देर तक छिपाया जा सके? सर, पॉसिबल तो है, लेकिन इतना साफ है कि बॉडी को मारने के करीब 18 घंटे बाद जलाया गया। मतलब एक किडनैपर्स बॉडी को साथ लेके घूम रहे थे। और उसका मर्डर करने वाले वो दो लोग ही होंगे जो सिल्वर गाड़ी से भागते हुए देखे गए। हो सकता है कि वो किडनैपर्स नहीं कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हो जो किसी के इशारे पे ये सब कर रहे हैं। लेकिन सर, मेहुल के पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं मिला जिसके तार मेहुल की किडनैपिंग या मर्डर से जुड़े हुए। लेकिन सर, मेहुल के कॉल रिकॉर्ड में एक डॉक्टर का नंबर मिला जिससे वो अक्सर बात किया करता, डॉक्टर विजेंद्र साहब। डॉक्टर साहब से मिलना होगा। सर, मैंने मेहुल के भाई से उस गाड़ी की फोटो दिखा के पूछताछ की, त्याला तुम्हाला काहीतरी सांगायचं आहे। पाठव त्याला। ठीक है सर। सर, मुझे नहीं पता इस बात का मेहुल की किडनैपिंग से कोई लेना देना है या नहीं, लेकिन कुछ 2 महीने पहले की बात है सर, जब मैं बैंक से कैश विड्रॉ करके शॉप पे जा रहा था तब ऐसी एक गाड़ी में से मुझे भी किडनैप करने की कोशिश की गई थी सर। महीने पहले तुम्हें किडनैपिंग करने की कोशिश की गई और वो बात तुम अब बता रहे हो? नहीं सर, एक्चुअली तब मुझे लगा नहीं था कि कोई मुझे किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगा था कि मेरा कैश से भरा हुआ बैग छीनने की कोशिश हो रही है। लेकिन सर, वो गाड़ी मुझे अच्छे से याद है, वो गाड़ी के पीछे ऐसा ही स्टिकर चिपका हुआ था सर। तब तुमने पुलिस कंप्लेंट की थी? नहीं सर, मैंने बताया ना, तब मुझे लगा नहीं था कोई मुझे किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। सर, ये श्रेयस पक्का झूठ बोल रहा है। तो मुझे लगने लगा है उस सिल्वर गाड़ी के साथ इसी का कोई कनेक्शन, इसीलिए वो खुद को बचाने के लिए हमारे पास ये सब बोलने हैं। ये किडनैपिंग की तीनों कॉल्स इसी को आ रही थी। हो सकता है ये सारी प्लानिंग इसी की हो और मकसद साफ है। अगर वो बॉडी मेहुल की है तो उसके मौत के बाद ये अकेला अपने बाप की सारी जायदाद का वारिस होगा। इस श्रेयस की हर बारीक से बारीक इन्फॉर्मेशन का और कुछ भी करके उस सिल्वर गाड़ी का पता लगा जो किडनैपिंग में इस्तेमाल हुई। सर, क्या 2 महीने पहले मेहुल के भाई श्रेयस को भी किडनैप करने की कोशिश की गई होगी? ये सवाल अभी सामने आया ही था कि मेहुल और डॉक्टर सहाय की मुलाकातों का एक और चौंका देने वाला राज इस केस में सामने आया। पिछले 2 महीने से मेहुल आपके टच में था,
क्या उसकी हेल्थ का कोई इश्यू था? नहीं सर, मेहुल का ऐसा कोई हेल्थ इशू नहीं था। एक्चुअली अपनी बेटी तनु का वो मुझसे डीएनए टेस्ट कराना चाहता था। व्हाट? तनु का डीएनए टेस्ट? जी सर, शायद उसे अपनी वाइफ पे शक था। तो क्या आपने तनु का डीएनए टेस्ट करवाया क्या? जी हाँ, टेस्ट तो करवाया था सर, लेकिन अभी रिपोर्ट आना बाकी है। डॉक्टर सहाय के बयान देते ही मेहुल की बीवी सुप्रिया भी पुलिस के रडार में आ गई, लेकिन ये केस अभी और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। सर, सुप्रिया के कॉल रिकॉर्ड को चेक किया तो पता चला वो दिशान नाम के एक आदमी के साथ रेगुलर टच में। इस दिशान का बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला वो सुप्रिया को कॉलेज के टाइम से जानता है। यानी इस दिशांत और सुप्रिया का अफेयर, और मेहुल को डाउट था कि तनु उसकी बेटी नहीं है, इसलिए वो डीएनए टेस्ट करवा रहा था। सर, मेहुल के किडनैपिंग वाले दिन की तनु के स्कूल के बाहर की सीसीटीवी फुटेज चेक की। सर, मेहुल की किडनैपिंग का तो कोई क्लू नहीं मिला, लेकिन तनु उस दिन किसी बाइक वाले के साथ बैठकर गई थी। सर, उसका सीसीटीवी फुटेज। अंकल, उस दिन पापा मुझे स्कूल से पिक करने नहीं आए थे, तो उन अंकल ने मुझे स्कूल से पिक किया और घर के बाहर वाली गली में छोड़ दिया। लेकिन बेटा, उस दिन तो तुमने कहा था कि तुम स्कूल से घर अकेले आई थी। मम्मा ने कहा था कि मैं उन अंकल के बारे में किसी को कुछ ना बताऊं। बेटा, तुम उन अंकल को जानती हो? छोड़िए मुझे, मैंने किया क्या है? कुछ तो बताइए, बात क्या? छोड़िए मेरा हाथ, क्या बात है? सर, मैं मानती हूँ मैंने तनु को सच बताने से मना किया था, लेकिन आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता किया। मेहुल को शक था कि तनु उसकी बेटी नहीं है, और तुमने तनु को दिशान के बारे में बोलने से मना कर रखा था, क्योंकि तुम्हारा और दिशान का शादी के बाद भी मिलना जुलना था। मेहुल को शक था ना कि तुम्हारा और दिशान का अफेयर है? हाँ सर, मेहुल को शक था, लेकिन मैं दिशान को बहुत पहले ही भूल चुकी हूँ, और तनु मेहुल की ही बेटी है। तो फिर मेहुल तनु का डीएनए टेस्ट क्यों करवा रहा था? सर, क्योंकि मेहुल को वहम हो गया था। कुछ टाइम पहले तनु का एक्सीडेंट हुआ था, उसे ब्लड की जरूरत थी। तब मेरा और मेहुल दोनों का ब्लड तनु से मैच नहीं हुआ, और उसके बाद से मेहुल को शक होने लगा। सच सच बोल, तनु दिशांत की बेटी है ना? मेहुल, तुम फिर से मुझ पे शक कर रहे हो? मैं बेवकूफ था जो ये सोचता था कि तुम दिशांत को अपने दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं समझती, लेकिन शादी से पहले तुम्हारा उसके साथ अफेयर था। हाँ, मैं दिशांत से प्यार करती थी, लेकिन तनु तुम्हारी ही बेटी है। फिर से झूठ, जी तो चाहता है गोली मार दूं तुम्हें। मारना है तो मार दो, लेकिन सच यही है। ये तो डीएनए रिपोर्ट आने से साफ हो ही जाएगा कि तनु किसकी बेटी है। शायद तुम्हें इस बात का डर होगा, इसलिए तुमने दिशांत के साथ मिलकर मेहुल को मारने की प्लानिंग की। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। जब मेहुल अगवा हुआ तब मुझे भी दिशांत पे शक था। अरे सुप्रिया जी, आज आपने मुझे कैसे याद किया? मेरी बेटी तनु को तुमने घर के पास ड्रॉप किया था ना? हाँ, बेचारी अपने पापा का स्कूल के बाहर वेट कर रही थी वो। लेकिन तुम मेरी बेटी के स्कूल करने क्या गए थे? पर क्या मैं जान सकता हूँ ये सब क्यों पूछ रही हो तुम? ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो। मेहुल को तुम्ही ने किडनैप किया है ना? सर, सुप्रिया का दिमाग खराब हो गया जो मेरे पे शक कर रही है। वो शक कर रही है या तेरे साथ मिली, ये खुद बता। पर ये भी बोल कि मेहुल को किडनैप किसने किया और मारा किसने? सर, मैं किसी को नहीं जानता। रही बात सुप्रिया की, वो तो सिर्फ मेरा पास थी, और उसने भी अपनी उम्र से बड़े आदमी से भी शादी इसलिए करी थी क्योंकि उसे सिर्फ पैसों से मतलब था सर। लेकिन उसके साथ भी तो तुम्हारा रिश्ता होगा, और तनु? नहीं सर, तनु मेरी बेटी नहीं। पापा, आप कहाँ हो? आप घर क्यों नहीं आ रहे? पापा आपकी बहुत याद आ रही है, पापा प्लीज जल्दी आ जाओ। सीमा, जो हमारे बेटे का खून नहीं है उसे इतनी ममता मत कर। यही है वो जिसकी वजह से आज हमारा बेटा हमारे बीच नहीं है। सर, एक मिनट से पता ले लिया। सर, मैंने आरटीओ से पता किया। उस मॉडल की 4 सिल्वर गाड़ियां हैं, जिसमें से एक गाड़ी सखाराम शिंदे के नाम पर रजिस्टर्ड है। सर, सखाराम शिंदे की गाड़ी उसके घर के बाहर ही खड़ी रहती है, और उस गाड़ी के ऊपर सेम वैसा ही स्टिकर देखा गया है जैसा क्राइम सीन की गाड़ी के ऊपर देखा गया था। सर, मेरा ही नाम सगराम है, और सर
बात क्या है? मेरी इस गाड़ी की फोरेंसिक जांच करवानी है। 16 जुलाई को मेहुल करमरकर का किडनैपिंग और मर्डर किया गया है इस गाड़ी में। अरे सर, ये क्या बोल रहे हैं आप? बोल, किसने बोला था उसे मारने के लिए? नहीं नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा है। एक मिनट, 15 जुलाई से 18 जुलाई तक तो मेरी गाड़ी मेरा भांजा निकुंज लेकर गया था। निकुंज जी कहाँ रहता है वो? सर, निकुंज के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर मिला जो किसी सर्वेश नाम के लड़के का। और सर, इस सर्वेश के कॉल रिकॉर्ड से पता चला 2 महीने पहले तक ये श्रेयस और मेहुल दोनों से बात किया करते थे, लेकिन अभी सर्वेश का नंबर बंद आ रहा है। सर इस संदीप बाघमारे सर्वेश को जानता है, बोला कि सर्वेश ने मेहुल से करीब 1 साल पहले 1 लाख रुपया उधार लिया था। सर, सर्वेश दोस्त था हम दोनों भाइयों का, और सर्वेश ने मुझसे भी पैसे उधार ले रखे थे, और जब उसने नहीं लौटाए तो कई बार हमने उससे बातचीत करना भी बंद कर दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि सर्वेश से तुमने मेहुल को? ये कैसी बात कर रहे हो सर, मेहुल भाई है मेरा। आप इस सर्वेश को ढूंढिए प्लीज। उसके साथ एक लड़का भी शामिल है निकुंज नाम का, उसे जानते हो तुम? निकुंज? नहीं सर, मैं किसी निकुंज को तो नहीं जानता। सर्वेश और निकुंज इस केस के प्राइम सस्पेक्ट्स बन के सामने आए, लेकिन ये दोनों सिर्फ मोहरे थे या असली खिलाड़ी, ये बात अभी साफ होनी बाकी थी। और जल्द ही पुलिस को निकुंज से जुड़ी एक सूचना मिली। बोल, किसके कहने पे मेहुल को मारा? मैंने जो कुछ किया सर्वेश के कहने पे किया। सर्वेश ने 2 महीने पहले मुझसे कहा था कि मैं अपने मामा की गाड़ी लेके आऊं, शेयर्स को उठाना, और फिर उसकी फिरौती मेहुल और उसके बाप से मांगेंगे। हम लोग शेयर्स को उठाने वाले थे लेकिन नहीं उठा पाए। फिर उसके बाद कुछ दिन तक हम लोग शांत रहे। फिर सर्वेश ने बोला कि आपकी बार मेहुल को उठाते, क्योंकि श्रेयस की उसके बाप को कुछ नहीं पड़ी। हाँ, लेकिन मेहुल को उठाएंगे तो उसका बाप जितना मांगेंगे उतना पैसा दे देगा। सर्वेश को उसका उधार भी देना था, और इसीलिए सर्वेश ने मेहुल को इसमें फंसाया। देख, और उधार ही नहीं है मेरे पास तेरे को देने के लिए। अरे भाऊ, मैं उधार मांगने नहीं आया हूँ, उधार चुकाने की सोच कर आया हूँ। मेरे पास एक पार्टी की जमीन है, मैं आपको पार्टी से मिलवा देता हूँ, आप वो जमीन बिकवा दो, हम मुझे भी कुछ कमीशन मिल जाएगा तो। चल चल ठीक है, चल। उसको ऐसे ही फोकट में खाली जमीन पे ले जाके खड़ा कर दिया और उसको मार दिया साहब। हम लोग ने उसको जहां मारा था वहीं जलाने वाले थे, लेकिन किसी की आने की आहट हुई तो हम लोग उसकी बॉडी को गाड़ी में डाल के ले गए। हम लोग तो वैसे भी उसको फिरौती लेके मारने वाले थे, इसलिए पहले ही मार दिया और उसके फोन से फिरौती के लिए कॉल करने लग गए। पर मेहुल की बॉडी गाड़ी में पड़ी पड़ी सड़ने लग गई थी। तीसरे कॉल के बाद हम लोग पैसों के लिए चौथा कॉल करने वाले थे। मेहुल की बॉडी जलाते हुए हमें किसी ने देख लिया था, हम लोग बहुत डर गए थे सर, इसीलिए अगला कॉल नहीं किया। बोल, सर्वेश कहाँ है?
इस केस के मुख्य आरोपी सर्वेश ने गिरफ्तारी से पहले ही आत्महत्या कर ली थी और डीएनए रिपोर्ट से यह भी कंफर्म हो चुका था कि वो अधजली लाश मेहुल की ही थी। लेकिन 6 वर्षीय तनु की डीएनए रिपोर्ट ये साफ कह रही थी कि तनु मेहुल की बायोलॉजिकल बेटी नहीं थी। शायद तनु पूरी जिंदगी ये सच स्वीकार नहीं कर पाएगी क्योंकि रिश्ते सिर्फ ब्लड ग्रुप्स के मेलजोल से नहीं भावनाओं और संस्कारों के योगदान से बनते हैं। हमारे समाज में भूल फिर भी स्वीकार कर ली जाती है लेकिन अपराध कभी स्वीकार नहीं किए जाते। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.